गिनती की पुस्तक अध्याय 22, गिनती की पुस्तक अध्याय 22। तब इसराइलियों ने कूच करके यरीहो के पास यर्दन नदी के इस पार मोआब के अराबा में डेरे खड़े किए। बिलाम का चरित्र। और सिप्पोर के पुत्र बालाक ने देखा कि इसराइल ने एमोरियो से क्या क्या किया है, इसलिए मोआब यह जानकर कि इसराइली बहुत है उन लोगों से अत्यंत डर गया, यहां तक कि मोआब इसराइलियों के कारण अत्यंत व्याकुल हुआ। तब मोआबियों ने मिद्यानी पुरनियों से कहा, अब वह दल हमारे चारों ओर के सब लोगों को ऐसा चट कर जाएगा जिस तरह बैल खेत की हरी घास को चट कर जाता है। उस समय सिप्पोर का पुत्र बालाक मोआब का राजा था और उसने एतोर नगर को, जो महानद के तट पर बोर के पुत्र बिलाम के जात भाइयों की भूमि थी, वहां बिलाम के पास दूत भेजे कि वे यह कहकर उसे बुला लाए कि सुन, एक दल मिस्र से निकल आया है और भूमि उनसे ढक गई है और वे मेरे सामने ही आकर बस गए हैं, इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत हैं। तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हो और हम सब इनको अपने देश से मारकर निकाल दे, क्योंकि यह तो मैंने जाना है कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वह धन्य होता है और जिसको तू शाप देता है वह शापित होता है। तब मोआबी और मिद्यानी पुरनिय भावी कहने की दक्षिणा लेकर चले और बिलाम के पास पहुंचकर बालाक की बातें कह सुनाई। उसने उनसे कहा, आज रात को यहां टिको और जो बात यहोवा मुझसे कहेगा उसी के अनुसार मैं तुझको उत्तर दूंगा। तब मोआब के हाकिम बिलाम के यहां ठहर गए। तब परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर पूछा कि तेरे यहां ये पुरुष कौन है। बिलाम ने परमेश्वर से कहा, सिप्पोर के पुत्र मोआब के राजा बालाक ने मेरे पास यह कहला भेजा है कि सुन, जो दल मिस्र से निकल आया है उससे भूमि ढक गई है, इसलिए आकर मेरे लिए उन्हें शाप दे। संभव है कि मैं उनसे लड़कर उनको बरबस निकाल सकूंगा। परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा, उन लोगों को शाप मत दे क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। भोर को बिलाम ने उठकर बालाक के हाकिमों से कहा, तुम अपने देश को चले जाओ क्योंकि यहोवा मुझे तुम्हारे साथ जाने की आज्ञा नहीं देता। तब मोआबी हाकिम चले गए और बालाक के पास जाकर कहा कि बिलाम ने हमारे साथ आने से नाह किया है। इस पर बालाक ने फिर और हाकिम भेजे जो पहलों से प्रतिष्ठित और गिनती में भी अधिक थे। उन्होंने बिलाम के पास आकर कहा कि सिप्पोर का पुत्र बालाक यो कहता है कि मेरे पास आने से किसी कारण नाह न कर, क्योंकि मैं निश्चय तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा और जो कुछ तू मुझसे कहे वही मैं करूंगा, इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे। बिलाम ने बालाक के कर्मचारियों को उत्तर दिया कि चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता कि उसे घटाकर व बढ़ाकर मानूं, इसलिए अब तुम लोग आज रात को यहीं टिक रहो ताकि मैं जान लूं कि यहोवा मुझसे और क्या कहता है। और परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा कि यदि वे पुरुष तुझे बुलाने आए हैं तो तू उठकर उनके संग जा, परंतु जो बात मैं तुझसे कहूं उसी के अनुसार करना। तब बिलाम भोर को उठा और अपनी गद्दी पर काठी बांधकर मोआबी हकीमों के साथ चल पड़ा और
उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप भड़क उठा और यहोवा का दूत उसका विरोध करने के मार्ग रोक कर खड़ा हो गया। वह तो अपनी गद्दी पर सवार होकर जा रहा था और उसके संग उसके दो सेवक भी थे और उस गधी को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब वह गधी मार्ग छोड़कर खेत में चली गई। तब बिलाम ने गधी को मारा कि वह मार्ग पर फिर आ जाए। तब यहोवा का दूत दाख की बारियों के बीच की गली में, जिसके दोनों ओर बारी की दीवार थी, खड़ा हुआ। यहोवा के दूत को देखकर गधी दीवार से ऐसी सट गई कि बिलाम का पांव दीवार से दब गया। तब उसने उसको फिर मारा। तब यहोवा का दूत आगे बढ़कर एक सके स्थान पर खड़ा हुआ, जहां न तो दहिनी ओर हटने की जगह थी और न बाई ओर। वहां यहोवा के दूत को देखकर गधी बिलाम को लिए बैठ गई। फिर बिलाम का कोप भड़क उठा और उसने गधी को लाठी से मारा। तब यहोवा ने गधी का मुंह खोल दिया और वह बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे तीन बार मारा? बिलाम ने गधी से कहा, यह कि तूने मुझसे नटखटी की। यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता। गधी ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरी वही गधी नहीं जिस पर तू जन्म से आज तक चढ़ता आया है? क्या मैं तुझसे कभी ऐसा करती थी? वह बोला, नहीं। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब वह झुक गया और मुंह के बल गिर के दंडवत की। यहोवा के दूत ने उससे कहा, तूने अपने गधी को तीन बार क्यों मारा? सुन, तेरा विरोध करने को मैं ही आया हूं, इसलिए कि तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है और यह गधी मुझे देखकर मेरे सामने से तीन बार हट गई। जो वह मेरे सामने से हट न जाती तो निसंदेह मैं अब तक तुझे तो मार ही डालता, परंतु उसको जीवित छोड़ देता। तब बिलाम ने यहोवा के दूत से कहा, मैंने पाप किया है, मैं नहीं जानता था कि तू मेरा सामना करने को मार्ग में खड़ा है, इसलिए अब यदि तुझे बुरा लगता है तो मैं लौट जाता हूं। यहोवा के दूत ने बिलाम से कहा, इन पुरुषों के संग तू चला जा, परंतु केवल वही बात कहना जो मैं तुझसे कहूंगा। तब बिलाम बालाक के हाकिमों के संग चला गया। यह सुनकर कि बिलाम आ रहा है, बालाक उससे भेंट करने के लिए मोआब के उस नगर तक, जो उस देश के अर्नोन वाले सिवाने पर है, गया। बालाक ने बिलाम से कहा, क्या मैंने बड़ी आशा से तुझे नहीं बुलवा भेजा था? फिर तू मेरे पास क्यों नहीं चला आया? क्या मैं इस योग्य नहीं कि सचमुच तेरी उचित प्रतिष्ठा कर सकता? बिलाम ने बालाक से कहा, देख, मैं तेरे पास आया तो हूं, परंतु अब क्या मैं कुछ कह सकता हूं? जो बात परमेश्वर मेरे मुंह में डालेगा वही बात मैं कहूंगा। तब बिलाम बालाक के संग संग चला और वे किर्यथूसोत तक आए और बालाक ने बैल और भेड़ बकरियों को बलि किया और बिलाम और उसके साथ के हाकिमों के पास भेजा। बिहान को बालाक बिलाम को बालू के ऊंचे स्थानों पर चढ़ा ले गया और वहां से उसको सब इस्राएली लोग दिखाई पड़े।